हेलो एवरीवन, आई एम निखिल पांडे, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3 दैट इज लॉग ऑन टू एक्सेस। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 4 दैट इज वर्किंग विद टेबल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। वर्किंग विद टेबल्स, अ टेबल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन यू विश टू स्टोर। तो टेबल क्या होती है? एक तरीके से डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होती है जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है जो आप इस पर स्टोर करना चाहते हो। इट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। यू नो वेरी वेल कि एक्सेल में भी आप रो कॉलम पे काम करते हो, वैसे ही टेबल क्या एक तरीके से रो कॉलम के तरीके की होती है। इट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इन एमएस एक्सेस अ टेबल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 255 कॉलम्स विद अनलिमिटेड रोज। टेबल का हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए। एमएस एक्सेस में जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे वो होंगे 255। कितने होते हैं? 255। बट जो रोज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। आपको कॉलम्स 255 होते हैं, बट जो रोज होते हैं वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। यू कैन नॉट हैव टू टेबल्स विद द सेम नेम इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या होता है, दो टेबल एक ही नाम की नहीं हो सकती, आपकी अलग अलग नाम की चाहिए। तो सेम टेबल आप नहीं ले सकते हो, अलग अलग टेबल अलग अलग नाम से क्रिएट होनी चाहिए। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच, इंक्लूडिंग हाउ टू सेट अप टेबल्स, फील्ड एंड डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन वी हैव स्टडीड द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस, इंक्लूडिंग वी हैव स्टडीड दैट हाउ टू सेट अप अ टेबल, फील्ड और डेटा टाइप इन अ डेटाबेस, है ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट हाउ टू हैंडल एंड वर्किंग विद टेबल। अब इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि कैसे आप डेटा को हैंडल कर और कैसे टेबल में वर्क करोगे। टू वर्क इन अ डेटाबेस दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, वन नीड टू ओपन दैट डेटाबेस फर्स्ट। सो जो ऑलरेडी टेबल बन चुकी है उसको क्रिएट करने के लिए, है ना, उसमें वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो जिस डेटाबेस जो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है अगर उस पर आपको काम करना है तो उस डेटाबेस को पहले आप खोल लीजिए। सो ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, सेलेक्ट ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस को खोलना है तो आप सबसे टॉप पर एक ऑफिस बटन होती है, उस पर आपको क्लिक करना है, देन वहाँ से आपको ओपन ऑप्शन को चूज करना है। तो उससे क्या होगा, ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। चूज द फोल्डर और ड्राइव दैट कंटेन द डेटाबेस। अब आपको ड्राइव या फोल्डर चूज करना है जहाँ पे आपका डेटाबेस है, है ना। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटाबेस एंड क्लिक द ओपन बटन, द सेलेक्टेड टेबल विल ओपन द डेटा शीट व्यू। अब आपको जो भी डेटाबेस ओपन करना है आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन बटन लाइक दिस, है ना। एक ओपन बटन इस टाइप की दी होगी, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। देन सेलेक्ट टेबल विद सेलेक्टेड टेबल विल ओपन इन द डेटा शीट व्यू। अब जो टेबल आपने ओपन की हो डेटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। हाउ विल यू एडिट अ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। After entering data, sometimes it is required to make changes in the database. This can be done in various ways. तो कई बार क्या होता है, जब हम डेटा एंटर कर लेते फिर भी कुछ बार ऐसा होता है कि हमको अपने डेटा को चेंज करना होता है या कुछ चेंजेस करने होते हैं डेटाबेस में। तो ये कैसे होगा उसको हम देखते हैं। To edit a record directly, scroll through the records or use the record navigation button to find the record to edit. तो अगर आपको किसी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एडिट करना है तो आप स्क्रॉल कर सकते हो माउस से, है ना, और रिकॉर्ड नेविगेशन बटन का भी यूज़ कर सकते हो, है ना, कि उससे आप क्या कर लो, रिकॉर्ड को फाइंड कर लो और फिर उसको एडिट भी कर सको, ठीक है ना। क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस। आप सेल पे क्लिक कर सकते हो जहाँ पर आपको चेंज करना। आप पेंसिल आइकॉन डैश 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 अपीयर टू इंडिकेट द एडिट मोड। तो इस तरीके का पेंसिल आइकॉन आ जाएगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका जो आपकी जो चीज़ें वो एडिट मोड में हैं। टाइप द इन्फॉर्मेशन इन टू द फील्ड। नाउ वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू टाइप द इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको एडिट करनी है उसको क्या करना पड़ेगा, फील्ड में एंटर करना पड़ेगा। क्लिक आउटसाइड द रिकॉर्ड रो टू अप्लाई द चेंजेस। अगर आप किसी आउटसाइड जहाँ पे रिकॉर्ड एंटर किया उसके बाहर पे अगर कहीं पे आप क्लिक कर देते हो तो आपके ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। नाउ हाइडिंग कॉलम्स।
MS Access provide a feature using you can temporarily hide columns. To hide column, follow the given steps. Now, MS Access आपको एक feature provide करता है जिसके through आप temporarily अपने column को hide कर सकते हो कुछ temporary time के लिए, ठीक है ना? तो टू हाइड कॉलम क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग दैट यू वांट टू हाइड. अब आपको कॉलम हेडिंग के राइट पे क्लिक करना होगा, आपके माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा. सेलेक्ट द हाइड कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू. वहां से आपको इस तरीके से एक ऑप्शन होगा, हाइड ऑप्शन को चूज करना होगा. देन यू विल नोटिस दैट द सेलेक्टेड कॉलम इज नो मोर विजुअल ऑन द टेबल. तो आप नोटिस करेंगे कि जो कॉलम आपने हाइड कर दिया वो अब आपकी टेबल में विजुअल नहीं होगा. Now, how will you unhide the hidden column? अब आपने हाइड तो कर लिया, वो डिसअपियर हो गया, अब उसको वापस कैसे लाओगे आप? The column which you have hidden earlier can be brought back to the table. अब जिसको आपने हाइड कर लिया वो वापस आ भी सकता है. अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक ऑन एनी कॉलम हेडिंग, सेलेक्ट द अनहाइड ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू. अब आपको कोई भी कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है, देन वहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, है ना, एंड देन यू हैव टू चूज अनहाइड कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू. देन द अनहाइड कॉलम डायलॉग बॉक्स विल अपेयर ऑन द स्क्रीन. तो एक अनहाइड कॉलम का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन में अपेयर होने लगा. सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू ईच कॉलम दैट यू विश टू डिस्प्ले. अब जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हाइड कर ली हैं, तो आपको जिसको भी अनहाइड करना है उसको क्या कर लेना है, चेक बॉक्स में टिक कर लेना. तो सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू ईच कॉलम दैट यू विश टू डिस्प्ले. अब जिसको आपको देखना है, चूज करना है, उसको आप क्या करेंगे, चेक बॉक्स कर लेंगे. देन यू विल क्लिक ऑन द क्लोज बटन. यू विल ऑब्जर्व दैट द सेलेक्टेड कॉलम हैव बीन अपीयर्ड इन द टेबल. तो इतना करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी टेबल में जो चीज़ आपने हाइड की थी वो अनहाइड हो गई और आपको वो दिखने लगेगी. सो इन दिस वे यू कैन अनहाइड द हिडन कॉलम. नाउ फ्रीज कॉलम. फ्रीजिंग अ कॉलम इन MS Access रेफर्स टू making the selected column appear at the leftmost side in the table and make them visible at all time irrespective of the direction you scroll. Now freezing a column का मतलब होता है कि जो भी आप column select करते हो और जिसको भी आप freeze करते हो वो क्या होता है, आपकी table की सबसे leftmost side में आ जाता है, है ना, और सभी direction में, मतलब कितना भी scroll कर लो वो आपको left direction में ही दिखेगा, leftmost side में ही दिखेगा, ठीक है. टू ओपन द टेबल, तो कैसे होगा ये भी देखो. टू ओपन द टेबल इन द डेटा शीट व्यू इन विच यू विश टू फ्रीज द कॉलम. तो आपको टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना है. अब आपको जहाँ भी आपको फ्रीज करना है, जिसको भी आपको फ्रीज करना है, वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, राइट क्लिक कर लेना उस कॉलम हेडिंग पे डेट यू वॉन्ट टू फ्रीज. नाउ सेलेक्ट द फ्रीज ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू. अब कॉन्टेक्स्ट मेनू से आपको क्या करना है, एक फ्रीज ऑप्शन को चूज करना है. कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको फ्रीज कॉलम करके एक ऑप्शन को चूज कर लेना. यू विल ऑब्जर्व दैट द सेलेक्टेड कॉलम शिफ्टेड टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टेबल. अब जैसे ही आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे तो जो आपका सेलेक्टेड कॉलम है वो आपके सबसे लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, एज शोन इन द फिगर. आपको फिगर में दिखाया जाए, देखिए आपने इसको फ्रीज किया था, ये आपके सबसे फर्स्ट में आ गया. तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, जब आप इसको फ्रीज कर देते हो एक आपके सबसे लेफ्ट मोस्ट में आ जाते हैं. टू सेलेक्ट कॉन्सिक्यूटिव, सो लुक एट द नोट. अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव कॉलम चूज करने हैं तो आपको किसी कॉलम फील्ड को सेलेक्ट करना होगा और माउस को विथआउट रिलीज किए आपको ड्रैग करना हो उसे जहां तक आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना. तो आपको विथआउट रिलीजिंग योर माउस बटन आपको ड्रैग करते जाना है जहां तक आपको सिलेक्शन चाहिए. सो इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट कॉन्सिक्यूटिव कॉलम. ओके, now that's all for today. I hope you all have understood the session well. If you find any query, any doubt or any comment, you can simply comment on my YouTube comment box. So guys, that's all for today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.